Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर इंडस्ट्री में काफी हलचल देखी जा रही है। लगभग हर बड़ी ऑटो कंपनी अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को बाजार में उतार रही है और कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के पहले ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल इसकी चार्जिंग को लेकर है, क्योंकि इस वक्त देश में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा काफी कम है और इसकी वजह से ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले काफी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन और इसके चार्जिंग स्टेशन को लेकर लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार के अलावा कई बड़ी कंपनियां भी इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि देश की मशहूर टू और थ्री व्हीलर निर्माता कंपनी TVS ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि जियो ब्रिटिश पेट्रोलियम और TVS मोटर कंपनी ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए हाथ मिलाया है। जियो बीपी के इस साझेदारी के तहत TVS इलेक्ट्रिक वाहनों के ग्राहकों को जियो बीपी के ईवी चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा ये चार्जिंग स्टेशन दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां मिलकर देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क स्थापित करेंगे। खबरों के मुताबिक दोनों कंपनियां मिलकर ग्राहकों को व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए एसी चार्जिंग नेटवर्क के साथ साथ डीसी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। गौरतलब है कि जियो बीपी अपने ईवी और स्वैपिंग स्टेशनों को पल्स ब्रांड के तहत संचालित कर रहा है। TVS मोटर कंपनी भी कई सालों से भारत में कारोबार कर रही है और कंपनी के पास भी लंबा अनुभव है। TVS भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में लगातार काम कर रही है। कंपनी ने TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में भी उतारा है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के नए पोर्टफोलियो पर भी काम कर रही है, जिसे जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा।